हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 नौबत खाने में इबादत। ये जो चैप्टर है ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, जिनका पिक्चर मैं आपको दिखा दूं। ये है यतीन्द्र मिश्र। इनके जन्म के बारे में आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और अभी ये 43 यानी 43 वर्ष की उम्र है, इसीलिए इनके मृत्यु के बारे में अभी नहीं पूछेगा। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसी अयोध्या अयोध्या एक शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। और अभी ये मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में जो चीजें बताई गई है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा में एमए किया। एमए एक्चुअली पीजी को कहा जाता है। पीजी में तीन कैटेगरी होता है, क्या ना, इंटर होता है, इंटर में होता है एक आर्ट्स लेके पढ़ता है, कॉमर्स लेके पढ़ता है, और एक जो होता है क्या कहते हैं, एक आर्ट्स लेके पढ़ा है, वो कॉमर्स लेके पढ़ा है, वो साइंस लेके पढ़ता है। उसी तरह से एमए यानी कि पीजी होता है एक, तो पीजी में भी एक होता है एमए होता है। एमए मतलब आर्ट्स हो गया, ठीक है, और आर्ट्स विषय में हिंदी इंग्लिश आता है, उसमें आपको सोशल साइंस साइंस भी आ जाता है। एक होता है एमए हो गया, इतना हो गया एम कॉम होता है जिसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट होते, जैसे इंटर में आप कॉमर्स लेके पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना होता है, और एक होता है एमएससी जिसमें साइंस होता है, जिसमें मैथ होते हैं, साइंस फिजिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होते हैं वो होते हैं। तो वो एमएससी किया था हिंदी विषय में। इस समय वो अर्धवार्षिक पत्रिका है सहित का, और सहित का संपादन कर रहे हैं यानी एडिटर साहब है ये। सहित और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं, यानी 1999 से ये बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। चलिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनके तीन काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और डीओडी का आलाप। इन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना का पर संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा भी लिखी थी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनकी कितनी पुस्तकें छपी थी, तो यदा कदा अयोध्या तीन पुस्तकें छपी थी, ज्यादातर यदा कदा अयोध्या। इन्होंने संगीत साधना पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो गिरजा पुस्तक लिखी थी। मैं आपको इनका पिक्चर दिखाऊंगा। आगे जो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन ये कब से कर रहे, तो 1999 ईस्वी से। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहां से भी पूछ सकता है कोई, ठीक है, ये और ऑब्जेक्टिव यहां पर पूछ सकता है। यदा कदा किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या किसके द्वारा लिखा गया है, गिरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। ये देख रहे हैं गिरजा देवी है और उस्ताद बिस्मिल्ला खा एक साथ है। अब हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे नौबत खान में इबादत है, वो एक्चुअली उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बारे में कहा गया। अब उस्ताद बिस्मिल्ला खा कौन है, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खा एक सनाई वादक थे। हम यहां पर आपको बता दें कि प्रस्तुत पाठ में नौबत खाने इबादत प्रसिद्ध सनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खा पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्तिगत चित्र है। यानी उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बारे में इस चैप्टर में ज्यादातर बताया गया है और उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। इस पाठ में बिस्मिल्ला खा का जीवन, उनकी रुचियां, उनकी कौन कौन सी काम में रुचि थी, अंत मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए, ठीक है। यानी कि उनकी कौन कौन सी सब्जेक्ट में रुचि थी, क्या वो पढ़ाना पसंद करते थे, कहां पर रहते थे, कहां पर गए, क्या क्या किए, यानी उसके लाइफ के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने इबादत में सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खा की जीवन चर्या का उत्कृष्ट वर्णन किया गया। मैं आपको बता दूं कि पाठ का सारांश मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट मैं आपको इस चैप्टर के इसमें आपको लगभग 60 ऑब्जेक्टिव भी दिया हूं, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव मैं इसी चैप्टर में रखा हूं, 60 ऑब्जेक्टिव, मैं तो 20-30 ऑब्जेक्टिव में रखता था। तो पहले हम पाठ का सारांश बताएंगे, क्योंकि पाठ का सारांश आपसे पूछेगा, पाठ का सारांश हम आपको बता रहे हैं, उसी में से ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खा की जीवनचर्या का उत्कृष्ट वर्णन किया गया, इन्होंने किस प्रकार सनाई वादन में बादशाहत हासिल की, बादशाहत मतलब बादशाही, इसी का लेखा जोखा इस पाठ में है। 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के डोड़ी के उपासना भवन से सनाई की मंगल ध्वनि निकलती है, ठीक है। 1916 से 1922, उस समय बिस्मिल्ला खा 6 साल के थे, क्या कितने साल के थे, 6 साल के। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के दोनों मामा अलीब खास तथा सादिक हुसैन देश के प्रसिद्ध सनाई वादक थे, ठीक है। जब ये थे उस समय
कहा जाता है कि 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास काशी जो है काशी के पंचगंगा घाट है जहां पर बालाजी मंदिर है वहां पर डोली को उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। ठीक है, और ये उस समय बिस्मिल्लाह खान 6 साल के थे और 6 साल से बजाने लगे थे। देखिए कितने इंटेलिजेंट थे। उनके बड़े भाई जो थे शमसुद्दीन, जानते हैं कि मुस्लिम लोगों में 2-3 शादियां होती है, एक आदमी 2-3 शादियां करती है, तो ये जिस माँ के बेटे थे उन दूसरी माँ के बेटे शमसुद्दीन थे। उनके दोनों मामा जो थे अलीब खस तथा सादिक हुसैन देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है डुमराव यानी बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार में ठीक है हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में पड़ता, वहीं पर एक संगीत प्रेमी था उनके घर में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हो गई थी 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई थी पूरा देश शोक में था और भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी इनको ट्वीट कर रहे थे, इनके बारे में लिख रहे थे। इनके बचपन का नाम पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन। क्या था, कमरुद्दीन। के बचपन का नाम था कमरुद्दीन और छोटी उम्र में ही अपनी ननिहाल काशी चले गए और वहीं अपना अभ्यास शुरू किया। 14 साल की उम्र में जब वो बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे तो रास्ते में रसूलन भाई और बतुलन भाई का घर पड़ता था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है, यानी कि जब वो बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे तो रास्ते में किनका घर मिलता था, तो रसूलन भाई और बतुलन भाई का घर था। इन्होंने अनेक साक्षात्कारों में कहा कि इन्हीं दोनों गायकी बहनों के गीत से हमें संगीत के प्रति आसक्ति हुई। यानी जब ये जा रहे थे रास्ते से तो रसूलन भाई और बतुलन भाई गाना गाते थे और जब गाना गाते थे तो उस स्थिति को देख करके इसके मन में संगीत के प्रति और प्रेम जग गया और लालसा जगी कि हम भी संगीत गाएं। ठीक है, शहनाई को शहनाई अर्थात सुशीर वाद्यों में सा की उपाधि दी गई। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा शहनाई को क्या, किस चीज को उपाधि दी गई है, सा यानी सुशीर वाद्यों को उपाधि दी गई है। अवधि प्रारंभिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। बिस्मिल्लाह खान 80 वर्षों से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे तथा इसी की प्राप्ति के लिए पांचों भक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नजदीक गिड़गिड़ाते हैं। यानी 80 वर्ष से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं और तथा इसी की प्राप्ति के लिए पांचों भक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नजदीक गिड़गिड़ाते हैं कि हे खुदा हमें और अपने देश की रक्षा करे, हम अपने सुर को अच्छा रखे। उनका मानना है कि जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि की कस्तूरी की महक को जंगलों में खोजता फिरता है उसी प्रकार कमरुद्दीन भी यही सोचता आया है कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यानी सात जो सुर होते हैं सारे गावा पादा निशा और उसकी सुर उसमें क्यों नहीं आई, ये बार बार सोचते रहते थे। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो है मुहर्रम। आपसे पूछेगा बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक मालूम भी चल जाएगा। इस पर्व के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ बसंजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। यानी इस पर्व के अवसर पर क्या होता है, हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ बसंजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। इस शोक के समय बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी व्यक्ति ना तो शहनाई बजाता और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख रहा है जब ये होते थे तो एक्चुअली 8वीं तारीख खास साहब के लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन वे खड़े होकर के शहनाई बजाते और डाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते थे। देख रहे, रोते हुए खड़े होकर नौहा बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, और ये इनका भी पिक्चर यही है। बिस्मिल्लाह खान अपनी इस पुरानी यादों का स्मरण करके खिल उठते थे। बचपन में फिल्म देखने के लिए मामू मौसी तथा नानी से 2-2 पैसे लेकर सुलोचना की नई फिल्म देखने निकल पड़ते थे। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि सुलोचना कौन थी, ऑब्जेक्टिव आगे पूछे हुआ है, हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और जितने बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 60 प्लस ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि धीरे धन संतोखी बढ़ता है और अच्छे से यानी सब्र का फल मीठा होता। आपसे पूछेगा कि 2-2 पैसे लेकर वो कौन सी फिल्म देखने जाती थी, तो सुलोचना की फिल्म। 2-2 पैसे किससे लेता था, तो मामू मौसी तथा नानी से। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान मुसलमान होते हुए सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे।
उन्हें काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। पूछेगा बिस्मिल्लाह खां को किसके प्रति अपार श्रद्धा थी, तो काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति, काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी, ये आपसे पूछेगा। और ये देख रहे हैं ना, अब सभी तरह के बच्चों को पालते थे, धर्म से बांध, मतलब धर्म की तरह उसको जोड़ करके रखते थे और प्यार करते थे। ये देख रहे बिस्मिल्लाह खां के पिक्चर। काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वो सनाई बबस बजाते थे। काशी से बाहर आने पर वह कुछ क्षण काशी की दिशा में मुंह करके बस बजाते थे। समझ में आया, यानी इतना प्रेम करते थे काशी से। ये देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का ये मंदिर है। उनका कहना था कि क्या करें मियां, काशी छोड़कर कहां जाए, गंगा मैया यहां है, बाबा विश्वनाथ यहां है, बालाजी का मंदिर यहां है। ये देख रहे हैं गंगा मैया, काशी विश्वनाथ, ये है गंगा मैया है। तो ये कह रहे थे कि गंगा में क्या करें मैया, हम विश्वनाथ मंदिर यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, गंगा मैया यहाँ है, तो हम इसको छोड़ करके क्यों जाए। काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। काशी में संगीत, भक्ति, धर्म, कला तथा लोक गीत का अद्भुत समन्वय है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठी महाराज, विद्याधारी बड़े रामदास जी और मौजुद्दीन खान थे। ठीक है, चलिए हम आगे बताएंगे। बिस्मिल्लाह खां और सनाई एक दूसरे के प्रिया हैं। पूछेगा आपसे कि बिस्मिल्लाह खां और सनाई एक दूसरे के क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां और सनाई एक दूसरे के प्रिया है। क्या है? प्रिया है। चलिए हम आगे, आपको बता दे, घबराइए नहीं, क्योंकि जो बात है सो आपको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वही सब चीज। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। आपसे पूछेगा बिस्मिल्लाह खां के मतलब क्या होता है, तो बिस्मिल्लाह खां की मतलब होता है बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है और आप लोग इसका इसका ध्यान रखें, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक सूत्र में बांध करके रखते, और ये भारत के एकता का निशानी था, और इनके बारे में हर बार कई ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि एग्जाम में कुछ बच्चे हिंदी लेकर भी पढ़ते हैं, कुछ मुस्लिम जो होते हैं वो, और इनके बारे में लोगों को बताया जाता है, क्योंकि ये इनको भारत रत्न, हम आगे आपको बताएंगे। एक जो उनकी शिष्या थी उनसे डरते डरते कहा, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है और अब आप फटी लुंगी ना पहना करें। तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न हमको सहनाई पर मिला है, ना कि लुंगी पर। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन मालिक मुझे फटा सूर न बख्शे। यानी जब इनकी शिष्य एक बार, शिष्या जो थी वो उनसे पूछ दी कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है और फिर भी आप फटी पुरानी लुंगी पहनते, तो ये बोले कि लुंगिया के क्या है, आज फटी है कल सील देगी, लेकिन मालिक यानी कि भगवान यानी कि अल्लाह मुझे कभी फटा सूर न बख्शे। बिस्मिल्लाह खां काशी के गौरव थे। उनके मरते ही काशी में संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी। वे दो कौमों के आपसी भाईचारे की मिसाल थे। खां साहब सनाई के बादशाह थे, यही कारण है कि इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिली हुई है। समझ में आया। वे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को खुदा के प्यारे हो गए। ठीक है, यानी 21 अगस्त 2006 को क्या किए वो, अपने जो भी लोक होते हैं, स्वर्ग लोक हो, जो भी लोक होंगे वहां पर चले गए। ये देख रहे हैं इनके बारे में सब लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ पर आप पिक्चर भी इनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो नौबत खाने की इबादत है और 60+ ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को बढ़िया से ध्यान से वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बढ़िया से ध्यान से वॉच नहीं करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, निबंध, कहानी, व्यक्तिगत चित्र या साक्षात्कार? आपसे पूछेगा कि नौबत खाने में जो इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, आप लोग गेस कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, जो भी गेस किए होंगे। चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया चम चम ओम तररक तुक तुक, आंसर आ जाओ। देखिए व्यक्तिगत चित्र है। ठीक है, आपसे पूछेगा इसी तरह से, आपको पूछेगा यानी नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्तिगत चित्र है। आगे देख ले प्रश्न, तू बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? ये देखिए, ये तो हमको बताना नहीं पड़े, क्योंकि आप लोग इतना समझदार तो है ही कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है।
आप लोग को इसका आंसर हमें मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे मुहर्रम, मुहर्रम यानी कि यही आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? अब देखिए इसके बारे में भी हमसे मत पूछिए, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि कौन थे लेखक इनका। ठीक है, बी नंबर यतेंद्र मिश्र है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, काशी में हुआ था, डुमराव में हुआ था? आप जानते हैं कि कहां हुआ था? नहीं मालूम है तो देख लीजिए ना, हम आपसे आंसर आप जानते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफर्म करा दे, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव में, जहां डुमराव आप जानते हैं, डुमराव में इनका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? अब आपको यही बताना है कि साल के बारे में आपसे पूछ रहा है, 1977, 1897, 1918, 1919। तो देखिए ये अभी 43 वर्ष के थे कुछ दिन पहले, और अभी आप देख सकते कितने वर्ष के थे। वो ये ज्यादातर ऑप्शन हमको लग तो रहा है 1977 लग ही रहा था, क्योंकि 1977 में ही इनका जन्म हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान? देखिए ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़े, क्योंकि यतीन्द्र मिश्र हम आपको बताए थे कि अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः कवि है कि लेखक है कि चित्रकार है कि गायक है? तो देखिए इसका आंसर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आप जानते हैं कि कवि है। यतीन्द्र मिश्र एक कवि है जो रचनाकार के मूलतः रूप में है। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो मैं आपको बताया था कि यतीन्द्र मिश्र के अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। जब विश्वास नहीं है तो आंसर यहां पर आपको दिखेगा, 3 आपको हम बताए थे, आपको 3 कौन कौन थे वो भी मैं आपको बता दूंगा, घबराइए नहीं। चलिए हम इसको यहां से थोड़ा इधर कर दे, क्योंकि ज्यादातर इधर हो जाएगा। आई 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 एक मिनट जूम छोटा कर दे थोड़ा। ठीक है, चलिए यहां पर हम देख ले, यहां पर यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? आप बताते हैं, गिरजा देवप्रिया, सुजान राज, रश्मि प्रिया? गिरजा ही आंसर होगा ना। देखिए आंसर आपको नहीं मालूम है, आपको विश्वास नहीं, तो यहाँ पर सबका आंसर हम छुपा करके रखे हुए, गिरजा। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? हम आपको बताए थे कि 1999 से ये यतीन्द्र मिश्र जो है विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था? लखनऊ से, पटना से, बक्सर से, उड़ीसा से? आपको बता दें कि लखनऊ से ये हिंदी विषय में एमए किया था, हम आपको बताए थे। आपको आंसर कंफर्म नहीं है तो यहां पर भी हम आपको आंसर दिखाते चलेंगे, घबराइए नहीं। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे सितार वादक में, सदोद वादक में, गिटार वादक में या सनाई वादक में? देखिए बिस्मिल्लाह खां ज्यादातर जो प्रसिद्ध है वो सनाई वादक में है। ठीक है, इसका आंसर तो यही होना चाहिए, और यहाँ पर देख लीजिए सनाई वादक किस है। आगे देख लेते हैं, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? निबंध, कहानी, आलोचना, व्यक्तिगत चित्र? तो ये व्यक्तिगत चित्र है एक तरह से। आंसर आपको विश्वास नहीं है तो यहां पर हम दिखा देते हैं। ठीक है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर है? असी घाट पर, पंचगंगा घाट पर, हरिश्चंद्र पर या दशन में? तो देखिये ये पंचगंगा के बारे में जिक्र किया गया है, आप लोगों को विश्वास नहीं तो हम आंसर ही दिखा देते हैं। पंचगंगा घाट, हम आप बताए थे ना कि पंचगंगा घाट पर ये खूब मस्ती से बजाते थे 6 साल की उम्र में ही। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? जफरुद्दीन, महामुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन? देखिए हमें तो नहीं लगता है कि इसके बारे में आंसर आपको हम बताना पड़े, क्योंकि इसका आंसर आप जान रहे तो आप कमेंट करें जल्दी से। कमरुद्दीन इसका आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे आप देखते हैं आपको लगता है कि हाँ मुझे आंसर आ रहा था, आप कमेंट करिए। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? 3 से 4 वर्ष की, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष? तो देखिए 5 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है इसका। ठीक है, 5 से 6 वर्ष हो गए, उसके बाद ये गए अपने मामा के यहाँ, नानी के यहाँ जो होता है। सनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? सनाई के रीड जो होता है कास, नरकट, बांस या सरी? तो सनाई के जो रीड है वो कहा जाता है नरकट से, नरकट से बनाता है। नरकट जो एक बांसी का रूप होता है जो अलग टाइप का होता है। सनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो सनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत जो होता है शिशिरवाद में, तुषारवाद में, सुशीरवाद में या यांत्रिकवाद में? आप लोग नहीं जानते, घबराइए नहीं, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। सनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत जो होता है सुशीरवाद में
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सा की उपाधि किसे दिया गया है? फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सा की उपाधि जो है बांसुरी को, नगस्वरम को, शंख को या सहनाई को? सहनाई को, यही क्योंकि ऑप्शन है यही होगा। आप देख लीजिए, विश्वास नहीं हो तो अब समझ में आया, सहनाई को, सा मतलब सहनाई। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? भाई हमको इसी को बताना नहीं पड़े, आप लोग जानते हैं ना, इसका आंसर कमेंट करें, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? हम कई बार बता दिए हुए और फिर भी नहीं जानते तो आप लोग बकलोल हैं। नौबत खाने का अर्थ क्या है? नौबत खाने का अर्थ है नमाज पढ़ने की जगह की प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज या नवीन घर। तो देखिए इसका आंसर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये देखिए प्रवेश द्वार है, नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार। इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। इबादत का अर्थ हो जाएगा आपका उपासना। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, उपासना। क्या होगा? उपासना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के किस खास महत्व की होती थी? मुस्लिम की किस तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? आठवीं, नौवीं, सातवीं, दसवीं, तो आठवीं तारीख होगा आंसर। देख लेते हैं, काहे आप घबराते हैं? आप लोग घबराइएगा तो हम घबरा जाएंगे। आठवीं तारीख को ये खड़ा होकर के सहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सुलाद हुसैन, अब्दुल हुसैन, मुहताद हुसैन या एकब हुसैन? देखिए घबराइए नहीं, आप लोग यहाँ पर देखिए, उस्ताद सुलाद हुसैन, उस्ताद सलाद हुसैन इनके परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? रियाज हुसैन, असगर खो, सादिक हुसैन, अफ्ताब अली। तो देखिए इसका भी आंसर हम अब रखे हुए, घबराइए नहीं, सादिक हुसैन। क्या होगा? सादिक हुसैन इसका आंसर होगा, सी नंबर, सादिक हुसैन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था कि पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, डुमराव बिहार में? भैया इसका आंसर हम यही मारेंगे, आपको मर्जी है तो मारिए, नहीं तो ऑप्शन मारिए, क्योंकि हम आपको बताए थे डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ है। रसूलन भाई क्या थी? नर्तकी थी, गायकी थी, कवित्री थी, आपको हम बताए थे, लेकिन आप लोग नहीं समझेगा तो हम गायिका में टिक मार देंगे, बी नंबर ऑप्शन हम, क्योंकि गायिका को देख करके इनके मन में उत्सुकता जानी की संगीत के प्रति। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी, नर्तकी थी? सुलोचना अभिनेत्री होगी, ठीक है, कथी होगी अभिनेत्री, आंसर देख लेते भैया, आंसर वा गलती ना होना चाहिए, अभिनेत्री ही सही है। ठीक है, पक्का महल क्या है? पक्का महल संगीतकार का नाम है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, अभिनेता का नाम है या लेखक का नाम है? तो पक्का महल जो है वो काशी विश्वनाथ का नाम है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है वो हो गया आपको 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। कब हुआ? 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। ठीक है, कुलसुम कौन थी? कुलसुम जो थी लेखिका थी, गायिका थी, हलवाई थी, नर्तकी थी? देखिए कुलसुम के बारे में हम आपको नहीं बताए, इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट बता दें, हलवायन थी। कुलसुम चैप्टर में आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन हम आपको बताया ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव इसमें से छूटेगा नहीं आपको, और एग्जाम में जो भी आएगा यही में से आएगा, इससे बाहर वो नहीं पूछेगा। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ सनाई बजाते थे? बउआ कहाँ बजाते थे? इसका आंसर हुआ था, आपको लगता दे दिया नहीं, मंदिर में बजाते थे। ये आपका ये क्वेश्चन में गलती दे दिया हुआ, इसको हटाइए और यहाँ से इसको टिपिए, मंदिर में ऑप्शन इसका सही है, मंदिर में। ठीक है, सहनाई की उपाधि किसे दी गई है? बिस्मिल्लाह खां, सादिक हुसैन, सहनाई को? सहनाई की उपाधि जो है बिस्मिल्लाह खां और सहनाई, तो सहनाई तो सहनाई को सहनाई की उपाधि दी गई है, और बिस्मिल्लाह खां होती है मतलब उनको सर्वश्रेष्ठ था, उसी का था। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम नाश कर दिया, अरे ससुराल नाश नहीं होगा, नाम होगा, नाम लिखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर नाम होगा, तो सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, अमरुद्दीन इनमें से, तो अमरुद्दीन नहीं शमसुद्दीन होना चाहिए, नहीं ऑप्शन वा देख लीजिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो शमसुद्दीन सही है, बी नंबर ऑप्शन मारिए, फटाफट मारिए। चलिए, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन सनाई नहीं बजाता था? दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन या ईद के दिन? मुहर्रम के दिन ही होगा, क्योंकि मुहर्रम के दिन ही ये इनका पर्व के नाम से साथ में जुड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को सनाई बजाने का बुखार था। भैया पहले नंबर पर हम टिक मारेंगे, आपको कौन सा लग रहा है कमेंट कीजिए, हम तो पहले नंबर मारेंगे भैया, पहले नंबर पर। ओई गड़बड़ हो गया भाई, मैं गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हुआ, ओ
सनाई बजाने का शौक था लेकिन बुखार जो था उनको फिल्म देखने का था। हम भी गड़बड़ हो गए नहीं, ओ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यही होता नहीं, चलिए कोई बात नहीं फिल्म देखने का, इसीलिए तो हम ऑप्शन दे देते क्योंकि हो सकता है कि हम गलती ही बोल दें। लेकिन आप लोग वीडियो में जो देख रहे हैं ना वो आपको आंसर छिपाया हुआ रहता है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह? यदा कदा यतीन्द्र मिश्र की है। भैया हम आंसर देख लेते हैं लेकिन यतीन्द्र मिश्र की होगा। हाँ चलिए ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। चलिए बिस्मिल्ला का को बालाजी मंदिर में सनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलती थी? 4 आना 8 आना 12 आना 16 आना। भैया तो आप देख ना लीजिए आंसर, 8 आना मिलता था। कितना आना? 8 आना मिलता था, बताइए 8 आना। सनाई बजाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है? रीड, बांस, लकड़ी, पत्थर। बांस, रीड, लकड़ी, पत्थर, उससे तो हमारा होना चाहिए बांस होना चाहिए लेकिन रीड का यूज इसमें हो रहा है तो रीड में मारिए, हम कंफ्यूजन में रहेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग आंसर इसका सही मार रीड। बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2 4 1 6। बालाजी मंदिर जाने के लिए जो है 2 रास्ते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत सारा रास्ता बन गया होगा, उस समय की बात है। किस देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नथ बोलते हैं? भारत, अरब, नेपाल, चीन। अब देखिए फूंकर बजाने वाले यंत्र को अरब में जो होता है नथ बोलते हैं। कथी बोलते हैं? नथ, नौ अथ नथ जो देख रहे हैं नथ बोलते हैं, सनाई को वहां पर नथ बोला जाता है। काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, अज्ञानता की, अंधविश्वास की। तो इसका तो भैया हम संस्कृति में मारेंगे लेकिन आंसर वा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, संस्कृति इसका आंसर सही होगा। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ, मतलब हुआ था कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो हम एक बार बता दिए हुए थे डुमराव बिहार में, यही आंसर आपका होगा। विश्वास नहीं है तो आंसर वा दिखा देते हैं ना, आप लोगों को विश्वास नहीं रहता, गजब बेइज्जती करते हैं। बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था? बउआ अमरुद्दीन, शमसुद्दीन, अजहर, गयासुद्दीन। बचपन का नाम पूछ रहा है, बचपन का नाम क्या था भैया? अमरुद्दीन, अमरुद्दीन, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन नाम था शायद, ये अमरुद्दीन दे दिया भैया, हमारा गड़बड़ लग रहा है अमरुद्दीन। बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम क्या था भैया? बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम याद है? उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्ला खां के मामा का नाम क्या था? यार ऑब्जेक्टिव दिए, मतलब उत्तर में हम दे दे क्योंकि हमको नामे नहीं याद रहता, सादिक हुसैन, ये सबका नामे नहीं याद रहेगा, ये सबका कौन नाम रहता है, हमसे बुलावे नहीं करता रहता है, मतलब याद ही नहीं रहता। बिस्मिल्ला खां का निधन कब हुआ? बउआ बउआ 21 अगस्त 2006 के साथ हुआ था ना, देख लेते एक बार, 21 अगस्त 2006, ऑप्शन नंबर डी सही है। कुलसुम कौन थी भैया? लेखिका, गायिका, हलवाइन, नर्तकी। कुलसुम जो थी शायद तो हमारे सर से हलवाइन थी, हलवाइन के बारे में ठीक कर दीजिए। बिस्मिल्ला खां के पिताजी कहाँ सनाई बजाते? मंदिर में, तो कई बार हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हुए, मंदिर में होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। साने की उपाधि किसे दी गई है? साने की उपाधि सनाई को दी गई थी, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा, देखिए रिपीट जो क्वेश्चन है ना इसका मतलब कई बार पूछा गया हुआ है। बिस्मिल्ला खां के बड़े भाई का नाम क्या था? सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, अमरुद्दीन। इसके बड़े भाई का नाम हो जाएगा आपको शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में, यही ऑप्शन होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में हम आंसर बाद दिखाते चलेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भैया पहले बार में अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इसमें तो हम इसमें हम शक नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवासी पत्रिका संपादन कर रहा है? सत्या, सहित, सुकून, सुगंध, सहित कहीं होगा, ठीक है, इसे आंसर बाद देख लेते हैं क्योंकि आप लोग भी कहिएगा सर जी बड़ा कॉन्फिडेंस मारते हैं, सही आंसर इसका सही है नहीं। बिस्मिल्ला खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन सनाई नहीं बजाता था? मुहर्रम के दिन कोई भी आदमी सनाई नहीं बजाता था, आंसर वो देख लीजिए। बिस्मिल्ला खां को किस चीज का बुखार था? भैया फिल्म देखने का, हम कॉन्फिडेंस हो गए अब क्योंकि एक बार गलती करने के बाद दूसरे का बार हम गलती ना करेंगे, ठीक है, फिल्म देखने का। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र की। यदा कदा यतीन्द्र मिश्र की काव्य संग्रह है, ठीक है, आंसर वो देख लीजिए ना, विश्वास रहना चाहिए भैया। बिस्मिल्ला खां को बालाजी मंदिर में सनाई बजाने पर कितनी महत्ता मिलती थी? 8 आना 4 आना 8 आना 4 आना 8 आना 8 आना आंसर होगा भैया 8 आना। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राज पुरुष, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, और क्या क्या हुआ है तो इनमें से सभी, यानी ऋतुराज सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, राज पुरस्कार, ये सब मिला हुआ इनमें से। रसूलन बाई क्या थी? रसूलन बाई जो थी वो नर्तकी थी, गायकी थी, गायकी 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 रसूलन बाई,
कोठा बनास्ती थी इसको देख करके इसके मन में गायकी थी, गायिका। सुलोचना कौन थी? तो भैया सुलोचना एक अभिनेत्री थी, नहीं जो उनकी फिल्म देखने के लिए कौन जाते थे, ये जाते थे बिस्मिल्ला खां अपने दादी से, नानी से, मौसी से, दो दो रुपया लेकर, दो दो पैसा लेकर के जाते थे। देखिए वीडियो खत्म हो गया, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।